और अब बात करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर की, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, जब से कश्मीर में आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बौखलाहट उसके मंत्रियों के बयानों से ही सामने आ रही है। पाकिस्तान के दो मंत्रियों के दो बयान से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान कश्मीर पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के फेंकू मंत्री यानी फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान के मदरसों में आत्मघाती तैयार किए जा रहे हैं, हमसे अच्छा आत्मघाती बम किसी के पास नहीं। जी हाँ, तो खुद ही इस बात को पुष्टि कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री का ये बयान, एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान में वो किस तरह से आतंकियों को नौकरी देंगे, तो साफ है कि खिसियाहट जो है कश्मीर पर वो नजर आ रही है। तो दरअसल में पाकिस्तान के गृह मंत्री एजाज अहमद ने कहा है कि वो पाक में आतंकियों को नौकरी देंगे। सुनिए पाकिस्तान के गृह मंत्री का वो अजीब व गरीब बयान और कश्मीर पर उनकी नाकामी। तारीख ने आपको मौका दिया है कि वही मुसल्ला जत्थे जो बन के पाकिस्तानी सरजमीन पर खूनरेजी का सबब बने, लश्कर हो, जैश हो, सिपाह हो, पता नहीं कितने गुनाम थे, अब आपके पास एक मौका है। और वो FATF का एक्शन भी है, नैप का मुतालबा भी है, ये नैप नेशनल प्रोग्राम है हमारा, इन तंजीमों का वजूद जो है जो पाकिस्तान में खूनरेजी में मुलव्वस है उनका खात्मा करना आपकी जिम्मेदारी है और अल्लाह ने आपको ये मौका भी दिया। अच्छा, इसमें अभी आपने दो चीजें कही। पहली बात तो आपने ये है कि पाकिस्तान में खूनरेजी, देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में खूनरेजी में मुलव्वस नहीं थी, नहीं है। वो कौन सी? ये जो है आपका जमात दावा वाले, उनका पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं। आप बता दें, ये जो मखलूक खुदा थी जो अफगानिस्तान में लड़ती रही है, ये थे तो पाकिस्तानी ना। They were told to fight, right? And they got motivated. अभी इनको demotivate करके मेन स्ट्रीम में लाना है को कर रहे क्यों? हालांकि हम मैं सच्चे एक दिन का ये जॉब नहीं है सर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द रूलिंग एलीट डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री, द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री डिस्ट्रॉयड द नेम, वी लॉस्ट इट, पीपल थॉट दैट वी आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल नेशन। That is what we are facing. Sir, ruling elite. एक आदमी रूलिंग एलीट कौन है? रूलिंग एलीट तो जो होते हैं अभी जैसे हो संभाली है जनरल जिया, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जरदारी, सबका रोल है। अब जनरल मुशर्रफ, सबका रोल है। और अब इमरान खान आपके, सबका रोल है। हमने अपना अपना सारों ने रोल डाला उसमें।